15th क्वेश्चन में इस यहाँ ओड नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम चल रहा है अप टू एन टर्म्स तक, और उसको इसके इक्वल हमें दिखाना है। तो फिर से वही लेट पी एन फोर एन इज इक्वल टू वन के लिए हमने चेक करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो वन स्क्वेयर इज वन, एंड राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखिए वन, फिर टू इंटू वन माइनस वन, अगेन वन, टू इंटू वन प्लस वन, टू, 3/3, यानी कि ये भी हमारे पास वन मैच कर रहे हैं। सो लेट अस एज्यूम पी के इज ट्रू फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, दैट इज पी के क्या बनेगा, वन स्क्वेयर, थ्री स्क्वेयर, फाइव स्क्वेयर, अप टू के स्क्वेयर। किसके इक्वल दिखाना है, जहां जहां, सॉरी के नहीं, यहां पे के रख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, टू के माइनस वन स्क्वेयर। ओके, ओड नंबर्स थे इस वजह से यहां के, टू के माइनस वन, टू के प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री। तो ये चीज हमने अज्यूम की है, सो नेम इट वन। नाउ वी हैव टू प्रूव पी के प्लस वन इज ट्रू, है ना। सो हम क्या लेकर चलें, पी के प्लस वन। ओके, सो अप टू के टर्म्स तो यही रहेंगी, वन स्क्वेयर, थ्री स्क्वेयर, अप टू टू के माइनस वन स्क्वेयर। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो क्या आएगी, इसमें हम एन की जगह के प्लस वन रखें, सो टू के प्लस टू माइनस वन, तो ये बन जाएगी टू के प्लस वन स्क्वेयर। और यहां एन की जगह के प्लस वन रखते हैं तो के प्लस वन, फिर टू के प्लस टू और माइनस वन, यानी कि टू के प्लस वन और टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ओके, सो इसके लेफ्ट हैंड साइड फिर से पिक कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास देखिए इतनी है, मतलब इक्वेशन वन से मैच करने वाली। तो इसकी जगह हम ये रख दें, के टू के माइनस वन, टू के प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस ये स्टेटमेंट टू के प्लस वन होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह हमारे पास टू के प्लस वन आ रहे हैं और ये हमें चाहिए भी कहीं ना कहीं, तो इसको ऐसा कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, टू के प्लस वन। तो यहां क्या बचता है, यहां हमारे पास बचता है टू के स्क्वेयर माइनस के डिवाइडेड बाय थ्री, और प्लस यहां बच रहा है सिर्फ टू के प्लस वन, है ना। इसके डिनोमिनेटर में हम वन सो कर सकते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया टू के प्लस वन सेम, और इधर हमने लिया एलसीएम, ये क्या बना टू के स्क्वेयर माइनस के माइनस ही है, यस। और यहां थ्री इनसे मल्टीप्लाई करेगा सो सिक्स के प्लस थ्री, तो ये कितना बन गया टू के प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री, इसको यहां लिख लिया बस इतना ही फर्क पड़ा। ये आ गया हमारे पास टू के प्लस 5k प्लस 3, है ना। बाकी इधर कर लेते हैं, तो देखिए ये पोर्शन फिर से सेम 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। यहां हमारे पास देखिए इसके फैक्टर क्या किए जा सकते हैं, 3 एंड 2 किए जा सकते हैं, सो 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए देखिए 5k के, है ना। सो अब इसके भी फैक्टर्स करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आएंगे वो देखते हैं। देखिए एक तो टू के कॉमन आएगा तो एक के प्लस वन बनेगा, यहां से भी थ्री कॉमन ले तो के प्लस वन, तो बचा क्या, एक तो हम टू के कॉमन ले रहे थे और एक यहां से थ्री कॉमन ले रहे थे, तो ये हमारे दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाय थ्री। और ऑब्जर्व कीजिए देखिए यही हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड,